नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण, जो लिए जाते हैं द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, जो महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह के प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रधानमंत्री ने चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह पर 2017 में की थी घोषणा। प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में बनाई गई है योजना। प्रधानमंत्री ने की चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली अंतः समुद्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत। 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट का बेटियों के हक में ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट ने कहा, बेटियों का भी जन्म से होगा पैतृक संपत्ति पर अधिकार। इजराइल और UAE के बीच सामान्य राजनीतिक संबंधों हेतु ऐतिहासिक समझौता। अब्राहम समझौते से ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिम एशियाई राजनीतिक स्वरूप में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। रूस कोरोना वायरस वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग हेतु तैयार करने वाला पहला देश बना। रूसी वैक्सीन को स्पुतनिक 5 दिया गया है नाम। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए सार्थक नामक अपतटीय गश्ती पोत किया गया लॉन्च। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 OPBs की श्रृंखला में 4th नंबर पर होगा सार्थक। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनः हुआ उद्गार। 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में हुआ था सक्रिय। हम लोग देख रहे थे 8 से 15 अगस्त का करेंट अफेयर्स, और आइए अब देख लेते हैं उसका पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने देख लिया था वन लाइनर्स और आपके 16 तक करेंट अफेयर्स भी विस्तार से देख लिए थे। तो आइए सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार। 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना है। इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को $2,00,000 पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकूनोमिक्स मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया है। नंदी फाउंडेशन पिछले लगभग 20 वर्षों से अराकूनोमिक्स मॉडल के आधार पर अराकू हैदराबाद में आदिवासी किसानों के लिए कार्य कर रहा है। आगे देख लेते हैं अराकूनोमिक्स मॉडल आखिर है क्या। तो यह एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो पुनर्योजी कृषि यानी कि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इस आर्थिक मॉडल के आधार पर अराकू के आदिवासी किसानों ने अराकू क्षेत्र में विश्व स्तरीय कॉफी का उत्पादन किया, जिसे 2017 में पेरिस फ्रांस में लॉन्च किया गया था। साथ ही अराकू के आदिवासी किसानों ने कार्बन अवशोषण के लिए 955 से अधिक गांवों में 25 मिलियन पेड़ लगाए हैं। अराकू में अराकूनोमिक्स की सफलता से प्रेरित होकर वर्धा के कृषि समुदाय ने और साथ ही नई दिल्ली में एक शहरी फर्म सह कार्यक्रम में इस मॉडल को अपनाया गया है। नंदी फाउंडेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर 1998 को स्थापित किया गया था। यह भारत में 19 राज्यों में कार्य करता है और अब तक 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने और मांग में बढ़ोतरी करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है।
देख लेते हैं इस नीति के बारे में। तो इसके साथ इसके तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क और सड़क कर से छूट प्रदान करेगी और साथ ही नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। इसके अलावा नई नीति के तहत दिल्ली सरकार दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों ऑटो ई रिक्शा मालवाहक वाहनों की खरीद पर 30,000 तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस नीति के तहत दिल्ली में वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के हिस्से को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि वर्तमान में 0.29% है, मतलब आधा 0.30% भी नहीं है, आधा भी नहीं है। सरकार का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में दिल्ली में कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना है, जबकि वर्तमान में शहर में पंजीकृत कुल 11 मिलियन से अधिक वाहनों में से मात्र 83,000 वाहन ही इलेक्ट्रिक वाहन है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है अपना एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 6 अगस्त 2020 को केरल के इडुक्की जिले में नायमक्कर टी एस्टेट में हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो गई है। नायमक्कर टी एस्टेट मुन्नार केरल के से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका में दक्षिण पश्चिम घाटों के हाई रेंज कन्नन देवन हिल्स में अवस्थित है। यह 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी से संबद्ध है। अनाईमुडी की आपका ऊंचाई देख लीजिए 2695 मीटर है। इस उद्यान का राजा मलाई क्षेत्र पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। केरल सरकार ने कन्नन देवन हिल प्रोड्यूस अधिनियम 1971 के तहत कन्नन देवन हिल्स प्रोड्यूस कंपनी से इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया था। इसे वर्ष 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा यह राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस उद्यान में पाए जाने वाले 3 प्रकार के प्रमुख पादप समुदाय हैं, घास का मैदान या ग्रासलैंड, दूसरा है छुप भूमि या चारागाह यानी कि श्रब लैंड, श्रब मतलब झाड़ी होता है, सोलावन, ठीक है, तीसरा है। यह उद्यान पश्चिमी घाट में अद्वितीय माउंटेन सोला ग्रासलैंड वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्यान में नीला कुरिंजी, जिसको कि एस्ट्रोबिलैंथेस कहा जाता है, नामक विशेष फूल पाए जाते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। इसके अलावा इस उद्यान में दुर्लभ स्थलीय एवं एपिफाइटिक ऑर्किड, जंगली बालसम आदि वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। एक एपिफाइटिक क्या होता है? एपिफाइटिक सूक्ष्म जीव होता है जो पौधे की सतह पर बढ़ता है और हवा, बारिश या इसके आसपास जमा होने वाले मलबे से नमी एवं पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। यह उद्यान लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर का सबसे अधिक आबादी यहीं पर मिलता है इसी उद्यान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। SEP 1.0 की सफलता के बाद SEP 2.0 की शुरुआत की गई है। SEP 1.0 की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौतियों की पहचान की और ATL के अंतर्गत जमीनी स्तर के नवाचार एवं समाधान तैयार किए हैं। SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल टेक्नोलॉजीज के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग एवं परिरक्षण परीक्षण समर्थन एंड एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा एवं विचार का पंजीकरण, प्रक्रियाओं एवं उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करना, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद लॉन्च करने में भी सहयोग मिलेगा। आगे देख लेते हैं पिंगाली वेंकैया के बारे में, जिनका जन्मोत्सव 2 अगस्त को मनाया गया है। तो पिंगाली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्हें झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। पिंगाली वेंकैया एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक यानी कि डिजाइनर थे। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर ही आधारित है। देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा के विकास का यात्रा को। तो द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ही वेंकैया की पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। उस समय पिंगली जो है ब्रिटिश सेना में शामिल थे। वर्ष 1918 से 1921 के मध्य वेंकैया कांग्रेस के प्रत्येक सत्र में भारत का एक ध्वज
होने का मुद्दा उठाते रहे। उस समय वह मछलीपट्टनम में आंध्र नेशनल कॉलेज के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी से विजयवाड़ा में पुनः मुलाकात की और उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए ध्वज के विभिन्न डिजाइनों को दिखाया। गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए वेंकैया से 1921 में कांग्रेस के होने वाले सम्मेलन के लिए ध्वज की एक नई डिजाइन तैयार करने को कहा। प्रारंभ में वेंकैया द्वारा तैयार किए गए ध्वज के स्वरूप में भगवा और हरे रंग की दो पट्टियां थी। बाद में इसमें एक सफेद रंग की पट्टी तथा केंद्र में चरखा की आकृति को जोड़ा गया। ध्वज के मध्य में चरखे का सुझाव लाला हंसराज ने दिया था। यह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह भारतीयों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक के रूप में माना गया था। इस ध्वज को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में अपनाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्षा उपकरणों से संबंधित नकारात्मक आयात सूची। तो हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की गई है, जिसका निर्धारित सीमा के पश्चात आयात प्रतिबंधित हो जाएगा। अर्थात सभी सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सभी 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू निर्माताओं से करेंगे। इन वस्तुओं का निर्माण निजी क्षेत्र अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा किया जाएगा। इस नीति की आवश्यकता क्या थी और इसका प्रभाव क्या होगा, तो देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत $16.75 बिलियन मूल्य के अमेरिकी और 2014 से 2019 के बीच दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। सूची में सम्मिलित वस्तुओं के आयात की संभावना को नकारते हुए भारतीय सैन्य बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने तथा निर्माण करने का अवसर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। यह एक किताब है जिसमें 50 साल से कम उम्र के राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार हैं, जिनके जरिए राहुल गांधी, स्मृति जुमीर ईरानी, वरुण गांधी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और अन्य के जीवन और व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलेगा। इस किताब को शिक्षाविद प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेखक का नाम याद रखिएगा। किताब के प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक इस किताब में शामिल नेताओं के व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा, विचारधारा, रुचि, जुनून और प्रेरणा को जानने की कोशिश की गई, जो अगली पीढ़ी के राजनेता है और भारत का भविष्य तय करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं, तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है। कहाँ की गई है, तो मुंबई महाराष्ट्र के पास माथेरान हिल स्टेशन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है, 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद। तो देख लेते हैं आगे, वर्ष 1894 में एक शोधकर्ता J.A. बेंथम ने इस पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में 78 तितली की प्रजातियों की पहचान करते हुए उन्हें संहिताबद्ध किया था। बायोडाइवर्सिटी डेटा जनरल में प्रकाशित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध पत्र में फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स रिविजिटिंग द बटरफ्लाइज ऑफ माथेरान आफ्टर 125 ईयर्स में माथेरान हिल स्टेशन में दुर्लभ तितलियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, शोध पत्र में कहा गया है कि तितलियों की विविधता में एक दृढ़ मौसमी बदलाव को परिलक्षित होते हुए देखा गया है। शीत ऋतु के दौरान तितलियों की अधिकतम विविधता 125 दर्ज की गई, जबकि मानसून के दौरान यह सबसे कम थी, मतलब की केवल 80 थी। इस शोध पत्र में वर्ष 2011 से 2019 के बीच सर्वेक्षण की गई तितलियों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। देख लेते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में, तो BNHS एक वन्य जीव अनुसंधान संगठन है जो 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। इसका मिशन क्या है, तो BNHS का मिशन अनुसंधान, शिक्षा एवं सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण, मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सेरेस के बारे में, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहा है कि सेरेस, जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है, यह महासागरीय दुनिया है जिसमें इसकी सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार है। सेरेस के बारे में देख लेते हैं, तो सेरेस जो है एक बौना ग्रह है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट है। नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हाल ही में प्रकाशित शोध में सेरेस से संबंधित एक नई जानकारी प्रदान की गई है। डॉन अंतरिक्ष यान ने वर्ष 2018 में सेरेस की सतह का अध्ययन किया था। सेरेस की सतह के अध्ययन के निष्कर्षों में लवण युक्त जल के उप सतही भंडार की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, जो धीरे धीरे जम चुके हैं। सेरेस का व्यास लगभग
590 मील यानी कि 950 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने सेरेस के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 22 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुए 92 किलोमीटर चौड़े ओकाटर क्रेटर का विश्लेषण किया था, जहां चमकीले क्षेत्रों की उपस्थिति दर्ज की गई जो तरल पदार्थ के वाष्पीकरण के कारण छोड़े गए साल्ट क्रस्ट हैं। यह तरल सतह के लगभग 25 मील यानी कि 40 किलोमीटर नीचे सैकड़ों मील चौड़े एक जलाशय के रूप में उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव को से खारे जल को निकालने का रास्ता मिल गया है। सेरेस से संबंधित इस शोध को नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर जियोसाइंस और नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। आगे देख लेते हैं विश्व हाथी दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में हाथियों की रक्षा एवं सम्मान करना तथा उनके सामने आने वाले महत्वपूर्ण खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य अफ्रीकी एवं एशियाई हाथियों की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना और बंदी एवं जंगली हाथियों की बेहतर देखभाल एवं प्रबंधन के लिए सकारात्मक समाधान साझा करना है। 12 अगस्त 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2011 में एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्स एवं माइकल क्लार्क द्वारा विश्व हाथी दिवस की परिकल्पना की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2012 को शुरू किया गया था। अफ्रीकी हाथी को IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में, जबकि एशियाई हाथी को संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं, पहला है भारतीय, दूसरा है सुमात्रन और तीसरा है श्रीलंकन। भारत में हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल करते हुए वन्य जीव कानून के तहत उच्चतम संरक्षण प्रदान किया गया है। हाथियों के अवैध शिकार, आवास की हानि, मानव हाथी संघर्ष तथा कैद में रहकर उनके साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार और अफ्रीकी और एशियाई दोनों देशों में हाथियों के लिए सामान्य खतरों के तहत आते हैं। मतलब इस प्रकार का खतरा उन पर होता है, अवैध शिकार का, आवास का हानि, इसके अलावा मानव हाथी संघर्ष और कैद में रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन क्या है। तो यह थाईलैंड में स्थित एक धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन है। इसे 1996 में थाईलैंड की रानी सिरिकिट की शाही पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मिशन बंदी हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास एवं वन्य जीवों के साथ पुनः स्थापित करना तथा एशियाई हाथियों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। आगे देख लेते हैं विश्व अंगदान दिवस के बारे में, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन बचाने के लिए मृत्यु के पश्चात अपने स्वस्थ एवं कीमती अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करना है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, दोनों से स्वस्थ अंगों और उत्तकों को लेकर किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित होने वाले अंग कौन कौन है? तो दोनों किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, आंत और अग्न्याशय। इसके अलावा उत्तकों में देख लेते हैं तो कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व, कार्टिलेज, हड्डियों और वेसल्स का प्रत्यारोपण होता है। जीवित व्यक्तियों के लिए अंगदान का समय न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। हालांकि अधिकांश अंगों के प्रत्यारोपण का निर्णायक कारक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है, उसकी आयु नहीं होती है। भारत में प्रति वर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण मांग और दान किए गए अंगों की संख्या के बीच में बड़ा अंतराल है, मतलब कि मांग ज्यादा है और दान करने वालों की संख्या कम है। भारत में इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को विश्व में मनाया जाता है, विश्व स्तरीय, और भारत के स्तर पर 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर भी याद रखिएगा। कृषि मेघ के बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि मेघ। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आभासी तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण आंकड़ों की रक्षा करना है। इस डेटा रिकवरी सेंटर को हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा, हैदराबाद में। वर्तमान में ICAR का मुख्य डाटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में स्थापित है। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई है, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि मेघ का महत्व। तो इसका निर्माण भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने, ई प्रशासन की उपलब्धता एवं पहुंच, शोध विस्तार एवं शिक्षा के लिए किया गया है। इस केंद्र में इमेज विश्लेषण के माध्यम से फसलों से संबंधित बीमारी एवं नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान, फलों की परिपक्वता एवं उनके पकने से संबंधित जानकारी जुटाना, पशुओं से होने वाले रोगों की पहचान आदि से जुड़े डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस के विकास एवं उपयोग के लिए नवीनतम कृषि बुद्धिमत्ता यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर, टूल किट्स इत्यादि मौजूद हैं। कृषि में किसानों, शोधकर्ताओं, छात्रों एवं नीति निर्माताओं को कृषि एवं अनुसंधान के बारे में अद्यतन एवं नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराएगा। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इस परियोजना को भारत सरकार तथा विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अधिक प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण युक्त शिक्षा प्रदान करना है। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI के बारे में देख लीजिए। तो IASRI भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक अग्रणी संस्थान है जो कृषि सांख्यिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं जैव सूचना विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1930 में की गई थी जब इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा वन वितान योजना। ठीक है, तो इंदिरा जी के नाम से है तो इसका मतलब कांग्रेस शासित प्रदेश ही होगा। तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन वितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गांवों में युवाओं को समर्पित समूह का गठन किया जाएगा। युवाओं के ये समूह अनुसूचित क्षेत्रों में वन उपज की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का काम देखेंगे। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे और इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को इसके साथ जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देख लेते हैं SPTO 41847 बेबी मिल्की वे। हाल ही में खगोलविदों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा की तरह दिखने वाली 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य सुनहरे प्रभा मंडल वाली आकाशगंगा है जिसे उन्होंने यह नाम दिया है SPTO 41847। खगोलविदों के अनुसार यह शिशु तारा प्रणाली यानी कि इन्फेंट स्टार सिस्टम ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभिक वर्षों के किए गए विश्लेषण को चुनौती देती है। इस आकाशगंगा की खोज में शामिल यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि यह जो है SPTO 41847 नामक आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग गए। खगोलविदों ने बताया है कि जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 अरब वर्ष थी तब इस आकाशगंगा की मौजूदगी थी और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं अभी भी स्थित हो रही हैं। बेबी मिल्की वे जो है आकाशगंगा को चिली में स्थित अल्मा रेडियो टेलीस्कोप द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक तकनीक का उपयोग करके खोजा गया था जिसमें पास स्थित एक आकाशगंगा का एक शक्तिशाली आवर्धक कांच के रूप में कार्य करती है, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कार्य करती है। क्या जो पास स्थित आकाशगंगा होती है वो, ठीक है, तो यह एक तकनीक है। बेबी आकाशगंगा जो है हमारी आकाशगंगा के समान क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, तो एक घूर्णन डिस्क है इसमें, एक उभार है यानी कि गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर उपस्थित तारों के उच्च घनत्व को दर्शाता है। एक उभार है जो कि गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर उपस्थित तारों के उच्च घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका आपका जो मिल्की वे है उससे समानता है इसमें। ब्रह्मांडीय इतिहास में यह पहली बार है कि ब्रह्मांड में एक उभार देखा गया है जो कि बेबी मिल्की वे के रूप में पृथ्वी पर सबसे दूर हमारी आकाशगंगा के जैसा दिखता है। ठीक है, तो ब्रह्मांडीय इतिहास में यह पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा इंडिया पार्टनर्स फंड 2 में $10 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं IFC के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश सलाहकार और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के Washington DC में है। इसकी स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह के निजी क्षेत्र शाखा के रूप में की गई थी तथा इसका उद्देश्य गरीबी को कम करने तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु केवल लाभकारी तथा व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्वामित्व तथा प्रशासन सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है, किंतु इसके कार्य संचालन के लिए इसका निजी कार्यकारी कार्यालय
तथा कर्मचारी है। यह एक निगम है जिसके शेयरधारक सदस्य देशों की सरकारें होती हैं। ये सदस्य देश निवेश हेतु राशि प्रदान करते हैं तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संबंधित विषयों पर मतदान का अधिकार है। वर्ष 2009 से IFC ने नए विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें इसकी परियोजनाओं के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसका लक्ष्य संवहनीय कृषि के अवसरों को बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार, माइक्रो फाइनेंस अवसंरचना निर्माण, छोटे व्यवसायों की राजस्व वृद्धि तथा जलवायु स्वास्थ्य में निवेश करने में सहायता करना है। यह विभिन्न प्रकार के ऋण तथा इक्विटी फाइनेंसिंग सेवाएं प्रदान करता है और कंपनियों को ऋण जोखिम का सामना करने में सहायता करता है। आगे देख लेते हैं तेंदुओं पर ट्रैफिक द्वारा अध्ययन। हाल ही में ट्रैफिक इंडिया द्वारा सामान्य तेंदुओं यानी कि पैंथेरा पार्डस फुस्का की अवैध पकड़ तथा इनकी होने वाली मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। शीर्षक क्या है तो स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं तो भारत में वर्ष 2015 से 2019 के दौरान हुई 747 तेंदुओं की मौतों में से 596 अवैध वन्य जीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित थी। उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में सबसे अधिक अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई। तेंदुओं की त्वचा के लिए सबसे अधिक शिकार किया जाता है। अवैध वन्य जीव व्यापार में पाए गए सभी अवयवों में त्वचा सर्वाधिक मांग वाला उत्पाद रहा है। इसके अतिरिक्त पंजे, दांत और हड्डियों जैसे अवयवों का भी कारोबार किया गया। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो भारत में तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना 2014 में की गई थी जिसमें इस प्रजाति की आबादी 12,000 से 14,000 के मध्य आकलित की गई थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा वैश्विक बाघ जनगणना के रूप में तेंदुओं को देखे जाने संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे माह के अंत तक जारी किया जाएगा। देश भर में विभिन्न वन्य जीव परिवर्तन कार्यक्रमों तथा समय समय पर खोजी रिपोर्टों और अध्ययनों के माध्यम से अवैध वन्य जीव व्यापार में तेंदुओं की दुर्दशा को उजागर किया जाता रहा है। हालांकि यह कार्यक्रम तथा रिपोर्ट्स वन्य जीव तस्करों को रोकने में विफल रहे हैं तथा ये लगातार उच्च लाभ और कम जोखिम के कारण इस प्रजाति को निशाना बनाते रहते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि तेंदुओं के संरक्षण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। देख लेते हैं ट्रैफिक के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार निगरानी संगठन ट्रैफिक का पूरा नाम ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स है। ट्रैफिक जैव विविधता और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्य जीवों तथा पौधों के व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाला प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी तथा यह विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं तेंदुआ के बारे में तो वैज्ञानिक नाम इसका है पैंथेरा पार्डस। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध है। विश्व में तेंदुए की 9 उपप्रजातियां पाई जाती है तथा ये अफ्रीका और एशिया में वितरित हैं। तो 9 उपप्रजातियां यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कृषि अवसंरचना निधि के बारे में या कोष के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का आरंभ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में किया गया है। कृषि अवसंरचना निधि के बारे में देख लेते हैं तो यह एक अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजना में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक यानी कि 10 वर्ष तक होगी। पात्रता देख लेते हैं तो इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए के ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, बहुउद्देश्य सरकारी सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों आदि को उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्याज में छूट के बारे में देख लेते हैं तो इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में
3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। क्रेडिट गारंटी के बारे में देख लेते हैं, तो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से प्राप्त उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगी। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। FPOs के मामले में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के FPO संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका प्रबंधन कैसे होगा। तो कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन निगरानी और ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकलांग आरक्षण के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस दिया गया है। तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल सेवाओं की सीधी भर्ती के लिए जारी की गई प्रारंभिक परीक्षा अधिसूचना में विकलांगों को दिए जाने वाले न्यूनतम आरक्षण की अवहेलना करने पर संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी गई। इस संदर्भ में न्यायालय ने UPSC को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि UPSC के नोटिस में 796 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें विकलांग लोगों के लिए मात्र 24 रिक्तियां निर्धारित की गई है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत 4% अनिवार्य आरक्षण से कम है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर समुद्रीय संचार केबल सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली अंतर समुद्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। इस परियोजना की आधारशिला पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 को रखी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 2300 किलोमीटर की अंतर सागरीय ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना के तहत चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और 7 अन्य द्वीपों स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हटवे यानी कि लिटिल अंडमान, कोमार्तो, कामोर्ता, कार निकोबार और कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस परियोजना को सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस परियोजना के से लाभ क्या होगा। तो इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इस कॉमर्स ई कॉमर्स में अवसरों से छोटे उद्यमों को फायदा होगा, जबकि शिक्षण संस्थान ई लर्निंग और ज्ञान को साझा करने में बैंडविड्थ की बड़ी हुई उपलब्धता का प्रयोग कर सकेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं और अन्य माध्यम एवं बड़े उद्यम भी बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित होंगे। परियोजना के शुरू होने के बाद अंडमान और निकोबार में इंटरनेट बिल में भी काफी कमी आ जाएगी। अंतरसागरीय संचार केबल क्या होता है, तो देख लेते हैं। यह समुद्र तल पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, जिसके माध्यम से मुख्य भूमि एवं सागरों तथा महासागरों में स्थित स्थलीय भागों के मध्य दूर संचार संकेतों को भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के तत्वों को विशिष्ट प्रकार से प्लास्टिक की परतों का लेप चढ़ाया जाता है तथा पर्यावरण के लिए उपयुक्त एक सुरक्षात्मक ट्यूब में अंतर्विष्ट किया जाता है। अंतरसागरीय फाइबर केबल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गैर आवर्तक यानी कि अनरिपीटर्ड और दूसरा है आवर्तक यानी कि रिपीटर्ड। छोटे केबल मार्गों में गैर आवर्तक यानी कि अनरिपीटर्ड केबल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें आवर्तकों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लागत कम होती है। हालांकि इस केबल में अधिकतम संचरण दूरी सीमित होती है। आगे देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। तो वर्तमान में पार महासागरीय 99% डेटा ट्रैफिक अंतरसागरीय केबलों के द्वारा ही होता है। अंतरसागरीय केबलों की विश्वसनीयता काफ़ी अधिक होती है तथा कभी केबल टूटने की स्थिति होने पर डेटा संचार के अन्य कई रास्ते उपलब्ध हो जाते हैं। अंतरसागरीय केबलों की डाटा संचरण क्षमता प्रति सेकेंड 1 TB में होती है, जबकि उपग्रहों द्वारा आमतौर पर प्रति सेकेंड केवल 1000 MB की गति से डाटा का संचरण करते हैं। इसमें विलंबता दर अधिक होती है। चुनौतियां देख लेते हैं। तो एक विशिष्ट अधिक 1 TB क्षमता युक्त पार समुद्रीय अंतरसागरीय केबल निर्माण प्रणाली में $100 million का व्यय होता है, मतलब खर्च बहुत ज़्यादा अधिक होता है और परेशानी भी होती ही होगी निश्चित रूप से। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है। तो कर्नाटक में स्थापित की गई है, यह याद रखिएगा। देख लेते हैं मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई यानी कि PMRU है क्या। तो PMRU सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत
पंजीकृत सोसाइटी है तथा यह राज्य स्तर पर राज्य औषध नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। पीएमआरयू के आवर्ती और गैर आवर्ती दोनों प्रकार के व्यय एनपीपीए के द्वारा वहन किए जाते हैं। कार्य देख लेते हैं, तो पीएमआरयू का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की सहायता करना है। जमीनी स्तर पर एनपीपीए के सहयोगी के रूप में सूचना संग्रह तंत्र के साथ काम करना तथा एनपीपीए और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा मजबूत करने और दवाओं के किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करना, दवाओं के नमूने एकत्र करना, डाटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना तथा औषधि मूल्य नियंत्रक आदेश यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए दवाओं की उपलब्धता एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करना। अन्य राज्यों में देख लेते हैं कि पीएमआरयू कहाँ कहाँ है, तो राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में समेत 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना की है। एनपीपीए की योजना सभी 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की है। आगे देख लेते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, तो भारत सरकार द्वारा मालदीव के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बेहतर कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन का अनुदान के तौर पर तथा $400 मिलियन नई लाइन ऑफ क्रेडिट के वित्तीय पैकेज के जरिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना है। कौन कौन से कार्यक्रम घोषित किए गए हैं इसके तहत, तो देख लेते हैं, वायु परिवहन हेतु एयर बबल सेवा, एक कार्गो फेरी सेवा, दूर संचार कनेक्टिविटी के लिए अंतः सागरीय केबल, माले तथा 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलहिफाउ और थीलाफूसी को जोड़ने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए सहायता, ये सारे प्रोजेक्ट हैं इसके अंतर्गत। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में देख लेते हैं, तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है वो अनुदान नहीं होता है, याद रखिएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है क्योंकि इसके तहत किए गए अनुबंधों की कुल कीमत का 75% सामग्री की आपूर्ति भारत के द्वारा ही की जाती है। आगे देख लेते हैं, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, तो यह जो है एक त्रिस्तरीय संगठन है, नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद पहला है इसमें, जो कि नवोन्मेषन एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी। दूसरा है इनटेक, इसके तहत इनटेक के तहत एक कार्य समूह परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा। और टीडेक जो है वह क्या करेगा, टीडेक मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, यह क्या करेगा, तो त्वरित समय सीमा में उभरती बाधाकारी प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ सृजन किया गया है। आगे देख लेते हैं NIIO के कार्य क्या होंगे, तो नौसेना नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण संगठन आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण करता है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो प्रारूप रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 यानी कि ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 में सेना मुख्यालय द्वारा विद्यमान स्रोतों के भीतर एक नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही एक कार्यशील स्वदेशीकरण निदेशालय है तथा इसके साथ ही नव सृजित संरचनाएं वर्तमान में जारी स्वदेशीकरण पहलों को आगे बढ़ाएंगी तथा नवोन्मेष पर ध्यान केंद्रित करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, COVID-19 परीक्षण हेतु CSIR की मेगा लैब, कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों के लिए परीक्षण की सटीकता में सुधार तथा परीक्षणों में तेजी लाने के लिए वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा मेगा प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं में नई पीढ़ी के अनुक्रमण मशीनों यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन्स का उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों से SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने में एक बार में 1500 से 3000 विषाणु जीनोम का अनुक्रमण किया जा सकेगा। मेगा प्रयोगशालाओं का महत्व और लाभ देख लेते हैं, तो कई मामलों में पारंपरिक RT-PCR परीक्षण से
वायरस संक्रमण की सही पहचान नहीं हो पाती। ये नई जीनोम अनुक्रमण मशीनें काफ़ी हद तक वायरस से संबंधित संभावित उपस्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम है। आरटीपीसीआर टेस्ट में सार्स कोव टू वायरस का पता लगाने के लिए वायरस की कुछ विशिष्ट अंशों की खोज की जाती है, जबकि जीनोम विधि में वायरस जीनोम के एक बड़े हिस्से की जाँच की जाती है और इस संक्रमण के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। जीनोम विधि में वायरस के विकास का इतिहास का भी पता लगाया जा सकता है, जिससे वायरस के रूपांतरण को अधिक सटीकता से ट्रैक कर सकता है। जीनोम अनुक्रमण क्या होता है? तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जो हमें डीएनए तथा आरएनए के भीतर पाए जाने वाले आनुवंशिक विवरण को पढ़ने और व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। इसके तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता। तो हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच जो है एक शांति समझौता किया गया है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्णतया सामान्य राजनीतिक संबंध स्थापित करेगा तथा इसके साथ ही यह कदम ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिम एशिया की राजनीति को नया रूप देगा। इस समझौते को अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अब्राहम यानी कि अब्राहम लिंकन। समझौते का अवलोकन देख लेते हैं, तो त्रिपक्षीय समझौता है यह, जिसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका शामिल है। समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक के अधिकार वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने पर रोक लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस समझौते में क्षेत्रीय शक्ति ईरान का दृढ़ विरोध किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अमेरिका इस क्षेत्र में ईरान को मुख्य खतरे के रूप में देखते हैं। आगे देख लेते हैं पृष्ठभूमि। तो इजराइल द्वारा वर्ष 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यूएई तथा अन्य अरब देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी तथा अब तक इन देशों के द्वारा इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक या आर्थिक संबंध स्थापित नहीं किए गए थे। वेस्ट बैंक कहाँ है देख लेते हैं। यह पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय तट के पास एक स्थल अवरुद्ध क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्व में इसकी सीमा जॉर्डन से मिलती है तथा यह दक्षिण पश्चिम में उत्तर तथा यह दक्षिण पश्चिम और उत्तर में ग्रीन लाइन द्वारा इजराइल से पृथक होता है। तो यह भी ग्रीन लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट बैंक के अंतर्गत पश्चिमी मृत सागर तट का काफी हिस्सा भी आता है। इस क्षेत्र की विवादित बस्तियों के बारे में देख लीजिए, तो वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पश्चात वेस्ट बैंक पर जॉर्डन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इजराइल ने वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के पश्चात इसे वापस छीन लिया और तब से वेस्ट बैंक पर इसका अधिकार है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 बस्तियों का निर्माण किया है तथा पिछले 20 से 25 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में इसी तरह की कई छोटी अनौपचारिक बस्तियां विकसित हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक इजराइल उपनिवेशी निवास करते हैं, जिसमें से कई यहूदी धार्मिक लोग इस भूमि पर बाइबल के अनुसार अपने पैदाइशी हक होने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 26 लाख फिलिस्तीनियों इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं महिंद्रा राजपक्षे के बारे में। तो श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, इनका चौथा बार है। श्रीलंका में वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, जो इनके छोटे भाई भी हैं, उन्होंने कोलंबो के निकट बौद्ध मंदिर में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। महिंद्रा राजपक्षे को सर्वप्रथम 2005 में राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था और वे 2015 तक इसी पद पर रहे थे। 2009 में श्रीलंकाई गृह युद्ध के समय महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, इसीलिए महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका में गृह युद्ध का हीरो माना जाता है। राजपक्षे शासन का चीन की ओर आकर्षण सदैव भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। श्रीलंका में चीनी प्रभाव का उदय महिंद्रा राजपक्षे की अध्यक्षता के समानांतर ही हुआ था, मतलब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सार्थक के बारे में देख लेते हैं। तो 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया और इसे भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में पुनः नामांकित किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित लॉन्चिंग समारोह को नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। इसे मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर एवं मशीनरी से सुसज्जित है। इस जहाज को ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 उच्च गति
वाली नावों तथा स्विफ्ट बोर्डिंग एवं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक इनफ्लेटेबल नाव को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज समुद्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। इस जहाज को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी तथा तटीय सुरक्षा और तट रक्षक चार्टर में निहित अन्य कर्तव्य भी शामिल हैं। ईईजेड क्या होता है? तो ईईजेड बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधन की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेपसांग मैदान। तो हाल ही में भारत एवं चीन के मध्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेपसांग मैदान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल स्तरीय वार्ता संपन्न की गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे गतिरोध में पैंगोंग एवं डेपसांग मैदान दोनों वर्तमान गतिरोध के प्रमुख क्षेत्र हैं। डेपसांग जो है वह LAC के उन क्षेत्रों में है जहां टैंक युद्धाभ्यास संभव है। वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने इस मैदान पर कब्जा कर लिया था। डेपसांग मैदान के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में काफी संख्या में चीनी सेना की उपस्थिति है, जिसे बल्ज कहा जाता है। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को विभिन्न गश्त बिंदुओं या क्षेत्रों तक पहुंचने से रोक दिया है। LAC के समीप चीन के द्वारा निर्माण कार्य तथा टैंक एवं बख्तरबंद वाहनों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। अब भारत चिंतित है, भारत की चिंता का कारण क्या है? तो इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी भारतीय सीमा में स्थित बर्ड्स और राकी नाला क्षेत्र में एक चुनौती या खतरा है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी चीनी सेना को 255 किलोमीटर लंबी दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क के काफी करीब लाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदू महिलाओं के विरासत अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका पिता जीवित है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किए गए संशोधनों का विस्तार किया। इन संशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया है। इसने उच्च न्यायालय को 6 माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया है। देख लेते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में। तो हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी थी। यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया है। एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीढ़ियों से संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकार परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देखरेख करते हैं। आगे देख लेते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में। तो 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक या कोपर्सनर के रूप में मान्यता दी गई। अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर सेनर की पुत्री को जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर सेनर माना गया है। इस संशोधन के माध्यम से पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गई हैं। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहां उत्तराधिकार को कानूनी रूप कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि इच्छा पत्र के माध्यम से। संशोधन का आधार क्या था देख लेते हैं। विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था। केरल ने वर्ष 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट सेकेंड समाप्त होता है और 8 से 15 अगस्त तक का टोटल करेंट अफेयर्स हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है, ताकि वो भी जो है लाभान्वित हो सके। और इसका नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, या फिर अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।